फ्रेंड्स, आईटीसी के चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट किस तरीके के रह सकते हैं या फिर बाजार क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसी वजह से मैं आपके लिए तीन अलग अलग ब्रोकरों के अनुमान लाए हूँ आईटीसी के चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट पर। और फ्रेंड्स, ये हमारे चिंतन भाई एक व्यूवर है, उसने कहा था कि हमें आईटीसी के नंबर चाहिए, और वो ऐसा भी कह रहे थे कि मैं उसकी आतुरता से राह देख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया, और इसके साथ साथ जो भी लोग आईटीसी में ट्रेड लेना चाहते हैं रिजल्ट से रिलेटेड, तो उसको भी ये आंकड़े काम आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तो आईटीसी की रिजल्ट डेट नहीं आई, मगर इसके नॉर्मली नंबर्स शाम को 6 बजे के बाद आते, तो ऐसा भी हम यहाँ पर भी इसी तरीके के टाइम पर रिजल्ट आने का अनुमान लगा सकते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, अब रेवेन्यू और प्रॉफिट कहाँ तक के अनुमान है उस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो पिछले साल मार्च में 11,420 करोड़ की स्टैंड अलोन रेवेन्यू थी, वो 15% बढ़कर 13,136 करोड़ के आसपास आ सकती है, ऐसा KR चौकसी का मानना है। और फ्रेंड, इसके अलावा ICICI का मानना है कि इस बार 10% के आसपास रेवेन्यू बढ़कर 12,547 करोड़ तक रह सकती है। और शेयर खान का ऐसा मानना है कि 7.5% के आसपास रेवेन्यू बढ़कर 12,268 करोड़ तक रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि यहाँ पर 7.5 से 15% तक रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। और फ्रेंड्स, प्रॉफिट का आंकड़ा जो पिछले साल 3,797 करोड़ स्टैंड अलोन बेसिस पर था, वो बढ़कर 4,008 करोड़ तक रह सकता है, ऐसा KR चौकसी का मानना है। और ICICI का मानना है कि 3,751 करोड़ रह सकता है, और शेर खान का मानना है कि 3,500 करोड़ तक आ सकता है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके अलावा और कोई हमारी ब्रोकरेज फर्म के अगर आंकड़े आएंगे तो मैं इस वीडियो में कमेंट करके यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, जिन लोगों को आईटीसी के रिजल्ट में प्ले करना है, उन लोगों को डेफिनेटली ये आंकड़े बहुत ही काम आएंगे।